बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मेरा नाम है रहमान अजमल। और मैं मुजफ्फर इकबाल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है, पाकिस्तान ब्रेक्स 3 ईयर रिकॉर्ड मेजर फ्लड इन नीलगढ़। तो भाई पाकिस्तान काफी ज्यादा हो गया, काफी नुकसान हो चुका है। बिल्कुल, और ज्यादा हो रहा है। आज ब्रदर रिएक्शन वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके भी चैनल को जरूर विजिट करें, अच्छा रिएक्शन देते हैं। और यूट्यूब का एक दूसरा पार्ट भी इनके साथ होता है, डुप्लीकेट है, उसके साथ मेरा दिल करता है कि किसी दिन बैठ के रिव्यू दूँ, मजा आएगा बहस करने में। चलो जी वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं जी? 1, 2, 3 नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान का जो रुपया है गिरता जा रहा है। दोस्तों, कल क्या हुआ, पाकिस्तान के रुपए ने गिरकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया और इंटरबैंक के अंदर पाकिस्तानी रुपी $1 के मुकाबले 242 रुपए तक ट्रेड कर रहा था। ये स्क्रीन पर आपके द एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान का एक आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इसकी पुष्टि की गई है। हालांकि अब उनका रुपया जो है मजबूत हो गया है, 236 तक चल रहा है, लेकिन इंटरबैंक के अंदर उठापटक अभी भी पाकिस्तानी रुपए को लेकर जारी है। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात रुपए के अंदर खराब हैं ऐसा भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बाढ़ और बारिश से बुरा हाल है, रोड और सड़कें पुल तबाह हो गई हैं और पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बारिश ने। और इस सिचुएशन में पाकिस्तान को और पैसा चाहिए अपने देश की हालात और कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन दूसरी सिचुएशन में इनके देश के अंदर जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो भी बढ़ता जा रहा है और इनके खजाने भी खाली होती जा रही हैं। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि इस हफ्ते के जो आंकड़े हैं उसमें $754 मिलियन का एक खजाना खाली हो गया है और अभी जो रिजर्व है $8.57 बिलियन का पड़ा हुआ है। ये सबसे निचला आंकड़ा ही है दोस्तों पाकिस्तान का जो चल रहा है। लेकिन इन सभी हालातों के बीच पाकिस्तान ने एक खुशी की खबर दी है अपनी जनता को कि जो लग्जरी चीज़ों के इंपोर्ट पर इन्होंने पाबंदी लगाई थी ना, वो लग्जरी चीज़ों के इंपोर्ट पर ये पाबंदी हटा रहे हैं। अब दोस्तों, ये सारी घटना चल रही है, इनका अकाउंट करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ गया है, लेकिन इनके साथ इनका जो कर्जा है विदेशी कर्जा वो भी बढ़ गया है और वो बढ़ गया है $126 बिलियन का। दोस्तों, पैसे कमाने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन खर्चा करने का जो साधन है वो आज भी वैसे का वैसा चल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए सिचुएशन अच्छी नहीं है। ये 5-6 खबरें जो मैंने आपको बताई हैं, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आने वाला इलेक्शन, क्योंकि अभी भी इन सभी मुश्किलों से निपटने के लिए पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्टेबल सरकार नहीं है और बिना स्टेबल सरकार के कुछ भी नहीं होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बिना स्टेबल सरकार के सरकारें फैसले नहीं ले सकती हैं, बोल्ड फैसले नहीं ले सकती हैं। यही कारण है कि इनके देश के हालात बहुत खराब हो गई हैं। क्या कहना चाहोगे? गिरते हुए रुपये, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए ट्रेड डेफिसिट, बढ़ते हुए विदेशी कर्जे के ऊपर कॉमेंट में बताइएगा। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। और सबसे पहले तो फ्लड की बात करूंगा भाई, कि जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस ने वो पैसे आवाम से दिए थे डैम के लिए, हमको डैम बनाएंगे, वो डैम भी नहीं बना और हर साल लाखों लोग जो है वो बेघर हो जाते हैं बेचारे, जमीनें उनकी दरिया बन जाती है भाई। और मैंने देखा है कि भाई उनके जो पहले के डैम बने थे भाई छोटे मोटे वो भी टूट रहे हैं, उनके जानवर भाई सब पानी में बह गए। डैम के बारे में एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि डैम बिल्कुल स्टार्ट है, वो जो चीफ जस्टिस ने जो फंड जो है ना वो कलेक्ट किया था वो भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ही पड़ा हुआ है। क्या वो किसी में लगा? नहीं, आप मेरी बात बताओ, जो मैं बताता हूँ आपको, वो बड़ा डैम है, उसको कंप्लीट होने के लिए उसका जो एस्टिमेटेड इन्होंने टाइम दिया ना वो 2028 तक दिया हुआ। अच्छा, वो अभी नहीं आपका कंप्लीट हो रहा,
उसका जो है ना वो अभी आप जाकर उसकी वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं कि उसकी कंप्लीशन डेट उन्होंने 2028 जो है ना वो दी हुई है वेबसाइट पर। इधर भी कोई वीडियो में भी नजर आ जाता है बंदा ये जो काम चल रहा है देख भी सकते हैं। मैं आपको कागजों में लिखी जाए डैम इतने तक बन जाएगा तो कागजों में कोई बना उसकी स्टार्टिंग एनिवर्सरी जो है ना वो देख ले। उसमें भी जो है ना वो जिस दिन उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ पे जाके उन्होंने सब कुछ किया था वहाँ पे। आज तक कोई खबर तो नहीं सुनी कि वो जो कालाबाग डैम है उसकी वो कालाबाग डैम एक और चीज है। कालाबाग छोटे छोटे तो बन रहे हैं तो बात तो वो उसी के लिए कालाबाग डैम और आमिर पाशा डैम जो है ना वो इक्वल है दोनों का साइज जो है ना वो इसी तरह है। कालाबाग डैम जो है ना उसमें हर साल मिलते तो कालाबाग डैम वाले लोग हैं ना भाई मेरे पास सुनो 18वीं तरमीम उसके दरमियान जो है ना वो आई हुई है कालाबाग डैम क्योंकि उसके साथ लिंक है सिंध भी जिस वजह से वो कम्प्लीट नहीं हो रहा उसके ऊपर जो है ना वो बहुत सारे मामला है। ये जो है ना आमिर पाशा डैम जो है ना ये उस साइड पे आ गया हुआ केपीके वाली साइड पे इसलिए उसके ऊपर किसी किस्म की जो है ना वो कोई इन्होंने पाबंदी वगैरह नहीं लगाई और उसको उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। अब आपको मैं बताता हूँ ये अभी जो वीडियो चल रही है ना जिसमें वो जीप के ऊपर आपके जो प्राइम मिनिस्टर नवे जो नए जो आए हैं वो जा रहे हैं वो उसी आमिर पाशा डैम के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस डैम के ऊपर 3 साल जो है ना वो सियासत की है कि वो नहीं बन रहा। वो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो जो जज था जिसका नाम इन्होंने वो छोटा जज रखा हुआ था वो लेके पैसे भाग गया है ठीक है। ये सारा कुछ इन्होंने किया और अभी इसको दो तीन दिन चार दिन इसने जनाब वो देखो जीप आपके सामने आ रही है वीडियो के अंदर इसने जीप दुड़ाई और सीधा दिया आमिर पाशा डैम के ऊपर चला गया वहां पे कंस्ट्रक्शन उधर वर्कर के साथ हुई थी। यहाँ पे जो वापडा चेयरमैन था उसके ऊपर बाद में इन्होंने करप्शन के जो है ना वो केस लगा के उसको जो है ना इन्होंने निकाल दिया। उसने ये कहा था कि इसने जाती उसको प्राइम मिनिस्टर ने कि इसको जल्दी करे उसने कहा कि भाई इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है ये जो इंजीनियर है इन्होंने इसकी एक डेट फाइनल की हुई है कि 2028 से पहले ये कम्प्लीट नहीं हो सकता हम जो मर्जी कर रहे बिल्कुल ये चीज बुरी लगी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को। ये तकरीबन अभी 15-20 दिन गुजरे उसके साथ ही जो उसका चेयरमैन था उसको इन्होंने जो है ना वो निकाल दिया उसके ऊपर करप्शन जो है ना वो करी। चलो अब ये तो करते ही ऐसे कि जो बंदा देख उसने किए थे मैं वैसे आज गया था शहर गया था भाई मैंने वो सब्जी का रेट जब सुना तो मेरे तो दिल तोते ही उड़ गए। मैंने जिंदगी में पहली बार बैंगन देखा 140 रुपए किलो था। हाँ जी भाई ऐसे बैंगन जिसका बंदा को पूछता नहीं है उसका 140 रुपए किलो। हम बहुत ज्यादा जो है ना वो क्राइसिस के अंदर फंसे हुए हैं इस चीज का हमें अंदाजा नहीं है। अभी आप देखेंगे डॉलर का रेट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया इसके अभी अभी असरात भी आने हैं जिसमें आप देख रहे हैं ये जो फ्लड आए हुए ना दी है फ्लड की वजह से महंगी हो रही है सब्जियां महंगी हमारी सारी फसल तबाह हो कर है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं हमारी सारी जो सब्जियां ना वो जनूबी पंजाब से आती है तो ये आने वाला वक्त जो आपको जो है ना 15-20 दिनों में आपकी चीखे निकाल देगा मुश्किल है जो है ना वो क्या चीज है जो है ना वो चलो पहले सब्जी सही आ रही थी आपके पास कुछ भी नहीं है 8.5 जो है ना वो बिलियन आपके रिजर्व रह गए हैं इम्पोर्ट इन्होंने लग्जरी के ओपन कर दिए भाई क्या क्यों किया अभी तक चलो कुछ ना कुछ तो बचत ही रही तो फिर अब हो सकता उन्होंने बोला शायद रुक जाए सियासत ही हो सकती है इसके तो भाई उसकी भी एक वजह है जो लग्जरी एक्ट में है ना वो ये एलीट क्लास ही इस्तेमाल करता है। उनकी जो है ना वो हर चीज तो बंद हो गई है अब वो यहाँ के लोकल चीजों के ऊपर उनको एतमाद नहीं है आवाम को जो मर्जी खिलाते रहे उनके लिए जो है ना वो सब कुछ है आवाम के लिए लेकिन अपने लिए वो हर चीज बाहर से जो है ना वो चीजें लेकर तो इसलिए जो है ना उनको वो थोड़ा मसला मसलन सहला लेकिन वो पैसा तो पाकिस्तान के बाहर का ही है ना जो बैर जाएगा उससे पाकिस्तान के नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है लेकिन कौन सोचता है पाकिस्तानी लेकिन भाई मौजूदा हालात जो है वो खराब है भाई बहुत ज्यादा खराब है भाई पहले जो होती थे ना कुदरती आफात पर जो होती थी फंडिंग आती थी मेरा ख्याल है वो भी नहीं है क्योंकि वो नहीं देंगे वो बोलेंगे भाई इसको कर्जे वगैरह ये खा जाते हैं पाकिस्तान का एसिड वगैरह वो बेचते खा रहे हैं अगर हम पाकिस्तानी वहाँ पर कुछ तरस करे भी गए तो ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ है ये बैठ से लेकर पहले का फ्लड इस तरह की कोई आफत आती थी ना तो जहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा है कोई एमएलए जा रहा है ये उधर जो खाने की चीजें लेकर जा रहा है एक वीडियो ऐसी नहीं देखी जिसमें कोई भाई पाकिस्तानी आवाम बहुत ज्यादा अपना तावन करते थे आवाम तो फिर वो आवाम को भी अपना जो पेट पाना बहुत लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो निकाल रहा है ना वो तो भाई कुछ भी नहीं कर रही वो हमारी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं कि चलो भाई जिनके मकान एक गरीब बंदे का मकान गिर जाए उसको कम से कम 40-50 हजार या 10-20 हजार दो
ताकि उसका थोड़ा वो पानी के लिए पॉलिटिक्स में इतने फंसे हुए हैं ना। अब ये आवाम का है, अंदाजा लगा लें कि वहाँ भी इतने जो ना पूरी तरह फ्लड आया हुआ है डी आई कॉम प्लस बलोचिस्तान में, और वहाँ की अगर आप वीडियो देख लें आप जो है ना वो आप आपका रोने को दिल करेगा। बच्चे जो है ना वो डूब रहे, बच्चों की लाशें निकाल रहे हैं, ऐसा ही है। 112 बंदे 141 के करीब जो है ना जिनकी डेथ हुई है, बच्चे बूढ़े जिसमें शामिल है, ठीक है, वो बेचारे पानी के अंदर फंसे हुए, जाओ उनको थोड़ा बहुत कोई चीज है उसके ऊपर वो खड़े उनको रेस्क्यू करने। और ये जो है ना बिलावल भुट्टो साहब बोलते हैं बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा पानी आता है कभी बोलता है इधर वाला एरिया ऊंचा है सतह समंदर से, इससे पानी इधर हमारी तरफ ही आ रहा है, इस तरह के भाषण दे सकता है और काम पे टांग जाती है। सही बात है, तो ठीक है भाई, जितना रोल है उतना ही कम है। अब जिस तरह वो डॉलर की बता रहे थे कि पाकिस्तान में 142 पर पहुंच गया भाई, 200 मैं भी 100 पे अभी ओपन में 150 पे मिल रहा है, 250 प्लस 260 के ऊपर मिल रहा है ओपन में, ओपन का 260 जो आप बार वगैरह करते हैं ऐसी वगैरह ओपन करवाते हैं, बिल्कुल ये हालात बने हुए। अब जब खरीदना होता है तो वो महंगा देते हैं, जब बेचना होता है तो वो सस्ता कम पड़ लेते हैं। सही बात है, बिल्कुल भाई चमड़ी होती है तो ठीक है, जिस तरह बोलते हैं ना जो सोना है वो सुनहरे का ही होता है। सही बात है, वो डॉलर भी खरीदने वाला की होता है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा तो क्या गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है या फिर हमारी तरह हाथ पे हाथ इंडिया में भी थाईलैंड में भी बहुत, और दुबई के अंदर बहुत बारिश हो रही है पिछले 3-4 दिन, मतलब रेतला इलाका का पानी जो ना सड़कों पर ऐसे कारें वगैरह वो तैर रही है। चलो भाई ठीक है, बताइएगा कि जो अगर इंडिया में कोई फ्लड आया इस तरह तो कोई क्या गवर्नमेंट उनको कोई पैसे दे रही, इमदाद कर रही है इनके पास, जमींदार तबका जो इससे बुरी तरह मुतासर हो रहा है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।